ऐतिहासिक स्मारक, प्रेरणा स्थल, संग्रहालय, व्यापार आदि में इनकी लगी भव्य प्रतिमाओं पर अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं तथा पार्टी एवं मूवमेंट के हित में इनके पूरे देश में किए गए संघर्ष एवं कार्यों के साथ साथ यूपी में बीएसपी की रही सरकार में इनके सम्मान में किए गए अनेकों जनहित के कार्यों के बारे में भी लोगों को काफी कुछ बता रहे हैं। इसके लिए पार्टी इन सभी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती है। इसके साथ ही माननीय श्री कांशीराम जी के बारे में खासकर नई युवा पीढ़ी के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्ष एवं यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे लोगों के हितों में किए गए उनके कार्यों से प्रेरित होकर फिर अपना घर परिवार रिश्ते नाते व सरकारी नौकरी आदि भी त्याग कर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित की है और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिनका जन्म पंजाब के एससी वर्ग में हुआ है। ऐसे महान व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी जिनके आज पुण्यतिथि है, इनको सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तय दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ बीएसपी के नाम पर अलग से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया और फिर पूरे देश में यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काफी हद तक इन्हें अपनी इस पार्टी से जोड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि इनके अथक प्रयासों से वे अपने इन लोगों के बलबूते पर ही फिर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में यहाँ मेरे नेतृत्व में कई बार सरकार भी बनाई है तथा यूपी सहित कई और राज्यों में भी अपनी पार्टी के अनेकों सांसद व विधायक आदि भी बनाए हैं। इसके साथ साथ माननीय श्री कांशीराम जी अपनी पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर हमेशा ये कहते रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके ये हमारी पार्टी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसे कमजोर एवं खत्म करने का ही पूरा पूरा प्रयास करेंगे, बशर्ते यदि इनसे अपनी पार्टी के लोग कदम कदम पर सचेत नहीं रहते हैं। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में इनके आए दिन किस्म किस्म के हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से सावधानी ना बरतने की वजह से ही अब पिछले कुछ वर्षों से हमारी पार्टी काफी खराब दौर से गुजर रही है, जिससे अपने लोगों को जरूर ऊपर उठना है और इन्हें अपनी पार्टी को हर स्तर पर पुनः मजबूत बनाना है, अर्थात घबराना नहीं है। जब हम आगे बढ़ेंगे किस्म किस्म की रुकावटें आएंगी, उसका हमें मुकाबला करना है और हमें ऊपर उठना होगा और अपनी पार्टी को हर स्तर पर हमें पुनः मजबूत बनाना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का यह हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को गुमराह करके वे इनका अधिकांश वोट लेकर
अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी इनके इन और भी हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाए, जिससे पार्टी को इन दोनों राज्यों के चुनाव में भी यह काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अब अपनी पार्टी के लोगों को बीच बीच में व इनके ऐसे सभी हथकंडों एवं षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। तो अब ये नहीं कि इलेक्शन में ये लोग क्या बता रहे हैं, हमें अभी पहले की तरह कैडर के जरिए, तो हमें बीच बीच में कैडर के जरिए बीच बीच में इनके ऐसे सभी हथकंडों षड्यंत्रों आदि से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी पार्टी पहले करती थी, वैसे हमें फिर से पुनः यह अभियान शुरू करना होगा, तभी फिर हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है, जो ये अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुत जरूरी भी है। ऐसा किए जाने पर ही फिर इस बार यही माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति अपनी पार्टी के लोगों की सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद व भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले कल जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बटकर रह गया और इन सब से फिर बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बीएसपी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस मामले में जम्मू कश्मीर के पार्टी के लोग भी ऊपर वैली में कश्मीर वगैरह वहां तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो नीचे जो जम्मू का एरिया थोड़ा सेफ है, सुरक्षित है, तो वो 25-30 सीटों पर हमारे लोगों ने पार्टी के हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पार्टी की बात आगे बढ़े और हमने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए हैं जम्मू रीजन में और वहां पर हमारे लोगों को वोट पड़ा है, सीट तो नहीं निकाल पाए, कुछ सीटों पर अच्छा खासा वोट मिला है। इन सभी की जितनी भी इन वर्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए जैसे हमने इन्हें लोग से हरियाणा में अलायंस किया तो हमें जाट समाज का वोट मिला ही नहीं बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को सत्ता में
बीजेपी वापिस ना आए तो जाट वोट एक तरफा तो वो कांग्रेस को चला गया, तो बीएसपी के कैंडिडेट को केवल दलितों का वोट ही पड़ के रह गया। यदि वो थोड़ा वोट भी हमें 2-3% मिल जाता तो हमारी कुछ सीटें जरूर निकल आती, लेकिन जाट समाज का वोट वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो कांग्रेस को चला गया। और वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफी हद तक बीएसपी की वजह से बदली है, उनके जातिवादी सोच काफी उत्तर प्रदेश में जाट समाज की बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो उनकी जो मानसिकता है दलितों के मामले में तो वो भी अभी पूरे तौर से परिवर्तित नहीं हुई है, और यूपी में हुई है, हमारे एमएलए भी बने हैं, और जब मेरी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की तो वहां पर हमने जाट समाज के कई लोगों को मंत्री आदि भी बनाया है। तो हमें यूपी की तरह अभी इनकी मानसिकता को हरियाणा में बदलना होगा, जो अभी पूरे तौर से नहीं बदली है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग मैदान में डटे रहे और उन्होंने प्रयास किया कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जीतें, अच्छा वोट पड़े। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जो पार्टी के लोग हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ऐसी ये स्थिति जो अभी आई है खासतौर से हरियाणा में, ऐसी ये स्थिति आगे भी पैदा हो सकती है, इसलिए अभी से ही हमें यह अपनी रणनीति में भी अब हमें थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या करेंगे वक्त आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही होने वाले, महाराष्ट्र में भी होंगे वैसे तो चुनाव और झारखंड में भी होंगे, हम इन तीनों स्थानों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। तो खास तौर से क्योंकि मैं दिल्ली में प्रेस ले रही हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, माननीय श्री कांशीराम जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि यहाँ माननीय कांशीराम जी की अस्थियाँ हैं, उनके आदर सम्मान में यादगार में ये स्थल बना हुआ है। तो जब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं यहाँ जरूर आती हूँ, तो इसलिए जब मैं इधर आई हूँ तो मैंने सोचा मीडिया के लोगों से बहुत दिन से बात भी नहीं हुई है, तो दिल्ली के मीडिया के लोग नाराज ना हो जाए कि बहन जी हमें महत्व नहीं देती है। तो माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी बाइक दे दूं इस मौके पर और आप लोगों से मिल भी लूं। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में, खासतौर से मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, हमारी पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेगी असेंबली का, झारखंड में भी लड़ेगी, वहाँ हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर भी हमारा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी बेहतर रिजल्ट लाए। और इस बार तो ऐसा लगता है तिकोनी लड़ाई होगी, तो कांग्रेस अलहदा, आम आदमी पार्टी अलहदा, बीजेपी अलहदा, तो इस तिकोनी लड़ाई में हो सकता है कि हमारी पार्टी को कुछ फायदा हो जाए। डायरेक्ट फाइट में हमें नुकसान होता है, जब तीन कोनी चार कोनी लड़ाई होती है तो उसका हमें लाभ भी मिलता है। तो इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही, खासकर दिल्ली में यहाँ जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी काफी सावधान रहना होगा। ये जो भी कुछ हरियाणा में हुआ है या पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ की आड़ में वीकर सेक्शन के लोगों को गुमराह किया और उनका वोट काफी हद तक इन्होंने बांट दिया, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर तो दिल्ली के लोगों को भी काफी सावधान रहना होगा, जिसके लिए आज दिल्ली से आए, क्योंकि जब मालूम है मैं इधर आ रही हूँ तो दिल्ली प्रदेश के लोग भी बड़ी तादाद में इधर आ रहे हैं, उनको भी उनसे वो मुझसे भी बात करेंगे, और जिसके लिए आज दिल्ली से आए हुए लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः माननीय श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। कहाँ जमीन रह गई हरियाणा चुनाव में जो गठबंधन किया है कि जाटों का वो
क्योंकि हरियाणा में मैंने बताया कि अभी वहां पर जो जाट समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश में तो जाट समाज की जातिवादी मानसिकता जो दलितों के प्रति काफी हद तक बदली है हमने, लेकिन अभी हरियाणा में जो जाट समाज है उनकी जातिवादी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, दूसरा ये रहा कि वहां का जो जाट समाज है ये सोचता रहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है। तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी, इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ। ठीक है।